हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो तरह की दाल ली है, मसूर की दाल और अरहर की दाल या फिर तुअर दाल। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब दाल को बॉईल करने के लिए इसे कुकर में डालूंगी और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक और हल्दी और ग्रेट किया हुआ अदरक। 3 सीटी लगाकर दाल बॉईल कर लेंगे। अब दाल को फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और हींग। लंबी कटी हुई 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और प्याज। इन्हें पहले अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएंगे फिर इसमें डालेंगे टमाटर। जब टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, जिसमें मैंने डाला है हरा धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला। हल्दी नहीं डाली क्योंकि हल्दी बॉईल करते टाइम डाली थी, तो इसमें अब हल्दी नहीं डालेंगे। अब मसाले पक चुके हैं तो अब इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई दाल। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी डालना है, जितना पतला करना है उस हिसाब से इसमें पानी डाल लेंगे। अब दाल को अच्छी तरह से बॉईल आने तक इसे पकाना है। दाल में अब बॉईल आ चुका है तो अब इसमें डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और दाल तो बनके तैयार हो गई है। अब तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए सबसे पहले मैंने डाला है पैन में घी, आप ऑयल भी ले सकते हो। और अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और अदरक और लहसुन बस, और इसका तड़का लगा देंगे और ये ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दाल को चावल के साथ सर्व करें या पराठे के साथ सर्व करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।